दोस्तों व्हाट एवरी वुमन वांट मूवी जो कि 1996 में रिलीज हुई थी और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है गांव के सारी औरतों को नौकरानियों को दबाकर पेलता है, यहाँ तक कि इसने अपनी फैमिली तक का ढोल बजा दिया और सारी औरतों को एक साथ प्रेगनेंट कर दिया। लड़के का नाम है छोटा जॉनी सिंह जिसने गाँव की हर लौंडिया की दबाकर ठुकाई की और प्रेगनेंट कर दिया। देखते हैं जॉनी सिंह की कौन सी वाली ठुकाई में सबसे ज़्यादा दम है। मूवी की स्टार्टिंग 16 साल के जॉनी सिंह से होती है जो कि अपनी छुट्टियाँ मनाने घर की सबसे बड़ी मेड लपीटो के साथ आता है। वहीं बैठी मिस लपीटो के पपीतों में भूकंप आने स्टार्ट हो जाता है। बगल में बैठा जॉनी सिंह मिस लपीटो के पपीतों को ऐसे देखता है जैसे उसका मुरब्बा बना देगा, लेकिन मिस लपीटो देख लेती है कि जॉनी मेरे पपीतों को देखकर स्वाद मार रहा है। इसके बाद जॉनी अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ जॉनी की पैंट देखकर बोलती है, ये सफेद घी का चुस्सा कहाँ से मरवा के आया है। दरअसल जॉनी लपीटो के पपीतों को देखकर जज्बात खो बैठता है। बगल में खड़ी जॉनी की मौसी बोलती है, अब जॉनी का बड़ा हो गया और अभी छोटी मोटी बातें होती रहती है, क्यों जॉनी? छोटा जॉनी सिंह बोलता है और उसकी मौसी घी साफ करने बैठ जाती है। इसके बाद जॉनी अपनी बहन बर्ता से मिलता है। जॉनी बर्ता से बहुत प्यार करता था। जॉनी और बर्ता जंगल में घूमने चले जाते हैं और उन्हें घूमते घूमते मिस लपीटो के दर्शन हो जाते हैं। लपीटो को बहुत तेज की लगी होती है और वह जॉनी सिंह के सामने ही अपना गंगा जल बहा देती है। वहीं ये सब देखकर जॉनी सिंह के अरमान जाग जाते हैं और वो जंगल में आगे जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो मिस लपीटो को फोटो के सामने रखकर बोलता है, हे भगवान मुझे मिस लपीटो के पपीतों का टेस्ट करा दे, मैं तुझे रोज 2 जोड़ी कपड़े प्लस 151 रुपए चढ़ाऊंगा। जैसे वो आदमी जॉनी सिंह को देखता है, जॉनी भागते भागते जमीन पर गिर जाता है और उसे हंसने की आवाज आती है। वो देखता है उसके घर की मेड उर्सुला जंगल में पका पक कर रही है। उर्सुला जॉनी को देखकर स्माइल मारती है और जॉनी घबरा जाती है और जॉनी वहां से 9:00-11:00 हो जाता है। रात में जॉनी सिंह भोजन करता है और वहीं जॉनी की माँ रूल्स के मामले में काफी स्ट्रिक्ट होती है और उसे बार बार डांटती है। मम्मी की डांट खाने के बाद जॉनी अपने कमरे में सोने चले जाता है और उसे बर्तनों को खड़खड़ाने की आवाज आती है। जब जॉनी वहां जाकर देखता है तो उसकी फटकर 64 हो जाती है और उसका हैंडपंप घी की बरसात करते हुए जॉनी बोलता है, वहाँ एक कप ट्रे वाली मेड का अंदर से कोई ढोल बजा रहा है। घर की नौकरानी हेलन अपने कपड़े और पिछवाड़ा ठीक करके 9:00-11:00 हो जाती है और जॉनी अपने खोए हुए अरमानों के साथ सोने जाता है। तभी बर्ता अचानक से निकलकर जॉनी को डरा देती है। बर्ता बताती है कि हमारी मौसी अभी तक वर्जिन है। जॉनी कहता है, तुम्हें कैसे पता? बर्ता कहती है, मुझे हेलन ने बताया। अगले दिन बर्ता जॉनी को मजे दिलाने के लिए जंगल ले जाती है जहाँ घर की सारी नौकरानियाँ अपनी बातों को शेयर करती हैं। वहाँ बर्ता और जॉनी सिंह पेड़ के पीछे छुपे सारे नजारों को देखते हैं। तभी वहाँ 3 घर के नौकर आते हैं जो कि जॉनी के घर में ही काम करते हैं और वो उर्सुला बाकी सबको देखकर बरसात शुरू कर देते हैं। उर्सुला भी कम नहीं थी और बोलती है, मुझसे पंगा। उर्सुला अपना सिस्टम चमकाती है। तभी वो नौकर बोलता है, देखिए दुर्राटे काट रही हो है। और इन सब चीजों का मजा दोनों भाई बहन ले रहे होते हैं। अगले दिन जॉनी की बहन घर में एंट्री मारती है जिसका नाम अलीसा होता है। अलीसा सब उसे गले मिलती है और जॉनी से हाय हेलो करके तेज हो जाती है और ये देखकर छोटा जॉनी सिंह निराश हो जाता है। ये देखकर बर्ता समझ जाती है और जॉनी को चर्च में ले जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग फादर से अपने अच्छे और एंटिक कामों की माफी मांगते हैं और वो दोनों चर्च के ऊपर छिप जाते हैं। किस्मत से जॉनी की मौसी आ जाती है और कहती है, जब से मैंने जॉनी को देखा है तब से मेरी तितली उबाल मार रही है। जब से मैंने उसके घी को साफ करा है तब से मेरी तितली अपना आपा खो चुकी है। फादर उसकी बात सुनकर सोने लगता है और यह सब सुनकर जॉनी के अरमान जाग जाते हैं। इसी खुशी में जॉनी सिंह हिलने लगता है और फादर के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद फादर जॉनी की माँ को सब कुछ हिंदी में बता देता है। जॉनी की मम जॉनी को पनिशमेंट में 10 फटके लगाती है और ये 10 फटके का कार्य उसकी मौसी करेगी। जॉनी की मौसी ये काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि जॉनी की मौसी जॉनी से प्यार करती थी, पर उसे ये काम करना पड़ता है। और वहीं अलीसा का मंगेतर आ जाता है और ये सब देखकर बहुत हंसता है और जॉनी सिंह का पिछवाड़ा लाल चटनी की तरह लाल हो जाता है। और उसी रात जॉनी के सीधे लेटने में फटकर 64 हो जाती है। वो उल्टा होकर सोता है और फिर से प्लेटों की आवाज आती है। जॉनी देखता है आज फिर से हेलन का प्लान कार्य दबाकर चल रहा है। अगले दिन जॉनी मुर्गी के तबेले में जादू की किताब पकड़कर अपनी छड़ी को मार रहा था। तभी वहाँ हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है और लल्लू राम बातों बातों में हेलन को खिड़की में फंसा देता है। पीछे से जाकर हेलन का ढोल बजाने लगता है। हेलन जॉनी को देखती है और हेल्प मांगती है और उससे पहले लल्लू राम हेलन को चमका देता
देता है। जॉनी सिंह को जब पूरा थिएटर समझ में आता है, पहले ही हेलन को चमका कर लल्लू राम कोहली हो जाता है। नेक्स्ट डे वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज आती है और सब युद्ध लड़ने के लिए तेज हो जाते हैं। जॉनी सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उर्सुला को अपना रॉकेट दिखाता है। उर्सुला जॉनी को लाइक करती थी और हमारा जॉनी सिंह फॉर्म में आ जाता है और उर्सुला को रात भर बजाता है। अगले दिन जंगल में बबीता आंटी बैठी हुई थी और जॉनी उसे देखता है और दबा कर चटकाता है। इसके बाद जॉनी सिंह घर की सारी औरतों को बजाने की कसम खाता है और जॉनी के फादर घर आ जाते हैं क्योंकि वो जनरल हैं और जॉनी की माँ को अलग अलग स्टाइल में पेलता है। और ये सारा थिएटर जॉनी सिंह और उसकी महबूबाएं देख रही थी। और फिर जॉनी सिंह भी अपने औजार पर कंट्रोल ना करते हुए सब कुछ चमका देता है। और अगले दिन जॉनी सिंह की बहन अलीसा घोड़े का लेने जाती है, तभी जॉनी सिंह आता है और कहता है मेरा ले लो, एक चोट में चरम सुख प्राप्त हो जाएगा। अलीसा बोलती तुम्हारा छोटा है। जॉनी सिंह कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब जॉनी सिंह की किस्मत में चार चांद लग गए थे। अब नौकरानी जॉनी सिंह से पहलान कार्य का अपॉइंटमेंट लेने लगी थी और उसी बीच सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जॉनी की फटकर 64 हो जाती है। फिर वो उन सब के बाप का इंतजाम करता है ताकि उस पर नाम ना आए और उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो वापस चला जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जब तक